हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ नया लाया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने तो नींबू लेमन के बारे में तो सुना ही होगा, बट लेमन टर्टल के बारे में सुना है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सुना भी होगा। सो सुनो, मैं बताता हूँ लेमन येलो आल्बिनो रेड ईयर टर्टल के बारे में। प्रेजेंटिंग यू लेमन टर्टल। लेमन टर्टल के फैक्ट्स बताने से पहले, जो भी व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को प्रेस करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। फर्स्ट फैक्ट, पहली बात तो इसको ये नाम इसके कान के पास रेड कलर की वजह से मिला है, और स्लाइडर इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज थोड़ा सा भी डेंजर लगा तो ये फटाक से स्लाइड करके पानी में चला जाता है। ये स्लाइड करने की वजह से इसको पूरा नाम ऐसा मिला, लेमन येलो आल्बिनो रेड ईयर स्लाइडर। सेकेंड फैक्ट, ये बहुत ही एक्टिव रहता है पानी में, अपना ज्यादातर टाइम ये पानी में ही बिताता है। थर्ड फैक्ट, लेमन टर्टल्स को धूप सेकना बहुत ही अच्छा लगता है। फोर्थ फैक्ट, और सनबाथ करते टाइम पे ये लोग एक के ऊपर एक चढ़ के धूप सेकते हैं, जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइंस। फिफ्थ फैक्ट, वैसे तो वाइल्ड टर्टल एग्रेसिव होता है और पेट टर्टल को लोगों से लगाव होता है और स्विम करके पर्सन के पास आ जाता है जैसे कि कोई उसे खाना देगा। सिक्स फैक्ट, अडल्ट आल्बिनो ज्यादा से ज्यादा 12 इंच तक होते हैं और फीमेल साइज में बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। सेवन फैक्ट, अगर इन लोगों का ध्यान अच्छे से दिया जाए तो ये लेमन टर्टल्स 20 साल तक जी सकते हैं। एट फैक्ट, वैसे तो इनको आप कुछ भी तो खाने के लिए सब कुछ खाते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि इनको कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स ही दो फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द टर्टल। नाइन्थ वन एज ए केयर टिप, जैसे जैसे एक सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 10 गैलन पानी बढ़ाते जाना पड़ेगा। टेंथ फैक्ट, वैसे तो सबका अपना बिहेवियर होता है, अगर इसको हाथ में पकड़ोगे तो ये डर के शेल के अंदर चला जाएगा या फिर आपके फिंगर को निप भी कर सकते हैं, सो बी अवेयर। इलेवेंथ फैक्ट, आप ऑल टाइम तो धूप में नहीं रख सकते इसलिए आर्टिफिशियल लाइट यूज कर सकते हो। ट्वेल्थ फैक्ट, अगर टैंक का टेम्परेचर ठंडा है तो इसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, सो इसलिए ये टर्टल्स को ठंडे जगह से दूर रखना चाहिए। थर्टीन्थ फैक्ट, अगर घड़ी घड़ी टेम्परेचर वैरी होता रहेगा तो इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। 14th फैक्ट, इसका कलर लेमन येलो जैसा होता है इसलिए इसको लेमन टर्टल बोलते हैं। 15th फैक्ट, ये ओमनिवोरस होते हैं, वेजिस से लेकर डेड फिश तक सब खाते हैं। 10th फैक्ट, होप सो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सो प्लीज़ अब लाइक कमेंट और अपने BFF के साथ शेयर ज़रूर करें।